नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम जब से आए हैं, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों में भगदड़ मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ हार का ठीकरा एक दूसरे के सर फोड़ने की होड़ भी लगी है। बहुत से नेताओं ने बदलती हुई हवा के रुख को भांप कर जहां खुद को एनडीए से दूर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ ये नेता इंडिया गठबंधन से और खास तौर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से अपने संबंध बेहतर बनाने का प्रयास शुरू कर चुके हैं। ऐसे ही एक प्रयास के तहत ओम प्रकाश राजभर, जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं और एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, उन्होंने हार का ठीकरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर पर फोड़ दिया है। उन्होंने अपनी एक सभा में साफ साफ कहा कि जनता ने मोदी और योगी को नकार दिया है। वो क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर यहां एक सभा को संबोधित कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। क्या बात करते हो, हमारी पार्टी ईमानदारी से जहाँ जो लड़ा उसको वोट दिया और गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, आचरण धर्म नहीं जानते, एक नेता का निर्देश हमारे हम लोगों ने अक्षर से उसका पालन किया और मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया। तो देखिए, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जनता ने मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया, जबकि इनके कार्यकर्ताओं ने, इनके वोटरों ने इनका साथ दिया, इन्हें वोट दिया, जबकि एनडीए के बहुत से सहयोगी दल हैं जिन्होंने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। जाहिर सी बात है कि ओम प्रकाश राजभर फिलहाल अपनी हार से, अपने बेटे की हार से बौखलाए हुए हैं। हालत ये है कि इनकी खुद की विधानसभा में, जहां से ये चुनकर आते हैं जहूराबाद से, वहां पर इनके बेटे 15,000 वोटों से पिछड़ गए हैं। ये आने वाले विधानसभा का भी एक झलक है, जिसमें क्या होगा, शायद ओम प्रकाश राजभर अपनी विधायकी भी ना बचा पाएं, ये बात वो समझने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, इसका जो वोट बैंक है, जो समर्थक हैं, उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर फिट नहीं बैठते हैं, जिसका एहसास अब उन्हें हो चुका है। यही वजह है कि वो लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से अपने संबंध सुधारने के प्रयास में लगे हुए हैं और मोदी और योगी को भी ये इशारा देने लगे हैं कि जनता ने आपको नकार दिया है। हालांकि फिलहाल ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं, लेकिन कभी भी ये भाजपा की सरकार छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत अच्छा मौसम विज्ञानी भी माना जाता है और बदलती हुई हवा के रुख को इन्होंने भांप लिया है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को वापस अपने गठबंधन में स्वीकार करेंगे या नहीं, इस बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।